फोकस करते हैं पीएसयू बैंक्स। सभी बिग पीएसयू बैंकों के नंबर्स आ चुके हैं, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी आने बाकी हैं। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या किया जाए यहाँ पर। एलकेपी सिक्योरिटीज़ के बैंकिंग सेक्टर एनालिस्ट अजीत काबी जुड़े हमारे साथ। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। पहले शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली बिग बॉय के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके हिसाब से कैसे रहे कल नंबर्स, और आपका हाउस भी क्या है आप स्टॉक पर? नमस्ते नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स एंड गुड आफ्टरनून। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट अगर कल देखा जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट था इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स। ग्रोथ नंबर्स मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए बिकॉज ऑफ द हायर बेस। डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा, जो सिस्टमिक डिपॉजिट ग्रोथ है उससे थोड़ा कम रहा बट आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स जो है अच्छे रिपोर्ट करने वाले हैं। लोन ग्रोथ जो 15% का ग्रोथ दिखा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, बट देखा जाए उनका बेस काफी बड़ा है तो 15% ग्रोथ मेरे हिसाब से अच्छा रहा, मतलब एक मॉडरेट लेवल पे आप बोल सकते हैं। प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस और अदर चीजों में आप देखिए, जब इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं हम तो नंबर्स जितने एक्सपेक्टेशन थे, जितने ग्रोथ होने चाहिए थे मेरे हिसाब से नेम्स होने चाहिए थे, वो सिस्टमिक आपको देखा जाएगा तो सारे पीएसयू बैंक स्पेशली और विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज एलडीआर रेशियो जो है काफी ज्यादा है, काफी कम है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, और उनका कंफर्ट है अभी भी पीएसयू बैंक्स के पास। जो नेम्स जो है आपके ज्यादा वोसन होते नहीं दिखाई देते हैं पीएसयू बैंक्स के, सो ओवरऑल देखा जाए गुड मॉडरेट सेट ऑफ नंबर्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी बैंक जैसे कि कल दोपहर में ही हम पीएनबी के नंबर्स देख रहे थे, उससे पहले कैनरा, इंडियन, इन सब के नतीजे आ चुके हैं। ऑफकोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नंबर्स आई गेस आज दोपहर शाम तक आ जाएंगे। मार्जिन फ्रंट पर अजीत, क्या यहाँ पर कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको कि कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि तीन बैंक चाहे वो पीएनबी हो, एसबीआई हो या फिर कैनरा, वो 3% के आसपास स्टेडी रहे हैं इनके मार्जिन, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है? सी, इंप्रूवमेंट का स्कोप बस एक ही चीज पे हो सकता है उनका, कि उनका लोन बुक जो है एमसीएलआर पे, बहुत सारा लोन बुक जो है एमसीएलआर लिंक्ड है, सो एमसीएलआर अगर थोड़ा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है एमसीएलआर रेट पे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल आई डोंट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बैंक्स कुछ अच्छा कर पाए, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्जिन आते टाइम में, और फिर हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ महीनों बाद आरबीआई रेट कट स्टार्ट होगा, तो रेट कट स्टार्ट होने के बाद आई बिलीव यू नो डिपॉजिट इंटेंसिफिकेशन ज्यादा रहेगा, बट लोन बुक, लोन की रिप्राइसिंग थोड़ी डिले हो जाएगी, तो उससे मुझे लगता है कि मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे जाके फॉर बोथ, फॉर पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोथ। ओके अजीत, एक और चीज, आई थिंक अजीत एक और चीज़, आई मीन बीते अगर आप कुछ सेशंस को देखें उसमें स्पेशली आरबीआई प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इसको आपने जब इम्पैक्ट किया होगा, ये अगर प्रोविजनिंग नॉर्म्स अप्लाई हुए तो अप्रॉक्सीमेटली इन बैंकों का कितना नेटवर्थ एग्जॉस्ट होगा इसमें, आई मीन इस एडिशनल प्रोविजनिंग में कुछ इसका सेंस और इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप अगर एप्लीकेबल होती है तो? ये पहले मेरी राय, मतलब 5% स्टैंडर्ड एसेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक कुछ ज्यादा लगता है, कुछ हार्स है आरबीआई मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए, जो जिन पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन लोन बुक जिनका ज्यादा है उनके लिए तो काफी हार्स रहा। और 5% अगर होता है तो उससे 2-3 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहला इम्पैक्ट है उनको प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, ईसीएल प्रोविजन आने वाला है, तो इससे मुझे लगता है कि उनके कैपिटल एडिक्वेसी में टीयर वन में स्पेशली आई बिलीव कि बहुत सारे बैंक्स में 50 basis points का डिफरेंस आने वाला है, बट दूसरा 50 basis points का डिफरेंस आने वाला है, और दूसरी चीज है प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस उनको इंक्लूड करने पड़ेंगे, और पीएसयू बैंक्स में स्पेशली उनके पास कंटिंजेंट बफर बहुत कम है, जाके आप देखिए प्राइवेट सेक्टर जो लार्ज बैंक्स हैं उनके पास कुछ कंटिंजेंट बफर है जो उनके प्रोविजन कवरेज रेशियो से बाहर का है, तो उन्हें राइट बैक कर सकते हैं, बट पीएसयू बैंक्स के पास वो भी कंफर्ट नहीं है, तो उनको प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। नेटवर्थ डाइल्यूशन होगा बहुत सारी कंपनी, आई बिलीव कि नेटवर्थ में 4-5% का डाइल्यूशन बहुत सारे बैंक्स का देख सकते हैं, जबकि टीयर वन पे आई बिलीव 50 basis points का इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत सारे मेजर लार्ज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इवन स्मॉलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पे उनका लोन बुक काफी भारी है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव जो चीजें हैं उनसे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट का मुझे ऐसे मेरी माननी है कि कंस्ट्रक्शन जो मेक इन इंडिया हो या बाकी कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हो जिन पे गवर्नमेंट इतना
प्रेशर डाल रही है इन सब चीजों के लिए, इतना प्रोत्साहन भी दे रही है जिसको इम्पेक्ट पड़ने वाला है। सो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है काफी हद तक खराब रहा है, मतलब स्ट्रीट के लिए भी और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, प्लस कंस्ट्रक्शन बुक काफी है। तो कल जैसे SBI के चेयरमैन कह रहे थे कि एक डिस्कशन पेपर है और होपफुली RBI इसका संज्ञान लेगा, जिस तरह से रिएक्शन स्ट्रीट पर आ रहे हैं चाहे वो एनालिस्ट हो या फिर बैंकर्स, और इसी रूप में ये अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसको शायद होपफुली वापस लिया जाए। मैं फाइनल सवाल अजीत आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पिकिंग ऑर्डर में पूरे बैंकिंग यूनिवर्स में टॉप टू ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय के? मेरे पूरे बैंकिंग यूनिवर्स में अगर टॉप टू ट्रेड देखा जाए, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नहीं दूंगा, 1 साल के व्यू का मैं देता हूँ, तो 1 साल के व्यू में मुझे अभी भी लगता है अभी इस HDFC बैंक सीइंग वैल्यूएशन एंड अदर फैक्टर्स, और दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम अभी लूंगा, क्योंकि उनके जो एग्रेसिव थॉट है लोन बुक ग्रोथ करने का, जिस तरह का उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और जिस तरह से वो डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं सीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक, उन सब चीजों से मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पे बहुत सारी उम्मीदें हैं इन ऑलराइट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैंने कहा HDFC का नाम अजीत, बहुत बहुत जिसपे। शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया।